ईवीएस पेज नंबर 63 रेलवे टाइम टेबल हमने पढ़ा टेक्स्ट बुक में, दोबारा से पूछेंगे पढ़ेंगे। अगर पूछा गया विच डिटेल्स आर देयर इन अ रेलवे टाइम टेबल, सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग कोच रिजर्वेशन फीस वगैरह आप लेके जा रहे हो, अमाउंट टिकट ये सब कंपलसरी होता है, ये यू शुड नॉट फॉरगेट एनी टाइम। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स यू डिटेल्स, अगर गॉड फॉरबिड एक दो घंटे की लेट हो तो आपको वो इत्तला कर देते हैं, नहीं तो स्टेशन पे इत्यादि जानकारी मिल जाती है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाने वाली, कितनी वक्त पे जाने वाली है, कौन से स्टेशन पे पहुँचने वाली है, एंड व्हाट टाइम ट्रेन विल डिपार्ट फ्रॉम द स्टेशन, डिस्टेंस कवर्ड एक्सेट्रा। वी कैन बाय रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये हम पढ़ चुके टेक्स्ट बुक में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम टाइम टेबल ऑफ द कच्छ एक्सप्रेस, तो देखिए कैसे लिखा है 2024 अंगार अंजार, फिर है गांधीधाम अहमदाबाद वडोदरा 4:55 सूरत 7:00 7 o'clock वापी 8:25, तो ये ऐसे दिए गए हैं। फ्रॉम विच स्टेशन डज अ स्टेशन और द ट्रेन स्टार्ट एट व्हाट टाइम, द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम भुज स्टेशन एट 19:50 आवर्स, विच स्टेशन डिस्टेंस डिड ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम भुज टू गांधीधाम, सो दैट इज 58 किलोमीटर्स, इतना ट्रैवल करते हैं। ऑन विच डे ऑफ द जर्नी एंड द ट्रिप रीच वापी, तो ट्रेन रीच्ड वापी ऑन सेकेंड डे। फियोना गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन आफ्टर हाउ मैनी आवर्स, रिया टुक द रीच वापी, रिया लुक्ड 4 hours 38 minutes टू रीच वापी आफ्टर फियोना गॉट ऑफ द ट्रेन। How many kilometers did Ria and Fiona travel together? C 4.05 kilometers. How many kilometers did Ria travel by train? To B hai 680 kilometers. What is the distance between Kamkhiani and Kalia Miani? To wo hai 41 किलोमीटर्स, इतना आपका किलोमीटर्स होते हैं बच्चों। तो हमारा 63 पेज यहाँ फिनिश होता है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या होता है। हाउ मच ट्रैवल डिस्टेंस डिड कच्छ एक्सप्रेस हैव, 680 पूरा लिखना है, कच्छ एक्सप्रेस ट्रैवल्स द टोटल डिस्टेंस ऑफ 680 किलोमीटर्स, तो ही मार्क्स मिलेंगे। 680 करके छोड़ दोगे तो आधा मार्क ही मिलेगा, तो पूरा आपको सिस्टम वाइज मैं पढ़ा रही हूँ, तो सिस्टम वाइज देखिए आप। हाउ मैनी स्टेशंस आर पास थ्रू बाय कच्छ एक्सप्रेस बिटवीन भुज एंड वापी, सो देयर आर 18 रेलवे स्टेशंस। द कच्छ एक्सप्रेस हॉल्ट्स एट 2 minutes फॉर मैक्सिमम 25 minutes रॉन्ग राइट, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ऑफ कच्छ एक्सप्रेस इट होल्ड्स मैक्सिमम टाइम वो है अहमदाबाद, यस। एट हाउ मैनी स्टेशन डिड कच्छ एक्सप्रेस स्टॉप ऑन सेकेंड डे, दैट इज बी 12। कच्छ एक्सप्रेस रीच टू वडोदरा एट 4:45, वॉट इज द राइट टाइम, तो क्या है बी 5। फिर हम देखेंगे डायरी, उसमें क्या होता है। नेम द स्टेशन रिटन इन रियाज डायरी, कौन से हैं गांधीधाम समखियाड़ी अहमदाबाद वडोदरा सूरत नवसारी बरसात एंड वापी, ये सब उन्होंने कवर किया है। डायरी यू कैन नॉट राइट आर थॉट्स एंड फीलिंग्स रॉन्ग, उसी में तो लिखना होता है राइट, वो आपकी बेस्ट ही होती है, आप सब कुछ लिख सकते हो। वुड यू लाइक टू राइट अ डायरी अबाउट टू टोर इन योर डायरी, येस ऑफकोर्स वाई नॉट, आई वुड लाइक टू राइट अ डायरी, तो आप लिख सकते हो 22/5/2018 पे क्या हुआ था,
आई वेंट टू अ टूर ऑफ कन्याकुमारी विथ माई फैमिली. ऑफकोर्स फैमिली के साथ ही जाएंगे क्योंकि सिक्योर और सेफ होते हैं. इज़ अ फेमस पिलग्रिम प्लेस ऑफ इंडिया. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु. एंड वी रीच चेन्नई बाय दादर एक्सप्रेस. एंड चेन्नई वी स्टार्टेड फ्रॉम वन नाइट. ऑन द सेकेंड डे वी डिपार्टेड फ्रॉम कन्याकुमारी इन अ बस. एंड देयर वी वर हैविंग कोकोनट ट्रीज ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे कोकोनट थे और बड़ी मज़ा आई क्योंकि केरला जैसी सिटी में कब ना मज़ा आए बताइए. सब जगह ग्रीनरी, पानी वगैरह. द साइड्स ऑफ द रोड. आफ्टर रीचिंग द रेलवे स्टेशन वी वेंट टू आर प्री बुक्ड होटल, जो पहले ही हमने बुक किया था टैक्सी के साथ. इवनिंग में हम वहाँ सीशोर पे गए. क्राउडेड था बहुत ज़्यादा, लेकिन पीपल गैदर देयर एट द सीशोर टू सी द सनसेट. वी ऑल्सो वेंट देयर टू सी द सनसेट. आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट ऑफ सीन ऑफ सनसेट. वन डे वी विजिटेड द एशियन टेम्पल ऑफ कन्याकुमारी इन द मार्केट ऑफ कन्याकुमारी. वी सॉ द बॉट डिफरेंट आइटम्स एंड कोच एंड ऑलस्टर्स. एंड वहाँ पर सब खाने वाले जो होते हैं कॉन्च एंड ऑलस्टर्स, ये सब वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है. इज़ अ लाइफ टाइम मेमोरी फॉर मी. वेन यू गो ऑन फॉर राइट अ डायरी अबाउट रिया एंड डिस्कस इट इन योर क्लास. तो इतनी सारी रिया की बात हुई तो आपको एक डायरी लिखनी है जैसे रिया ने लिखी थी, और हम डिस्कस करेंगे जब आप आएंगे या आपकी बुक्स मंगवाएंगे. तो ये आपका होमवर्क है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिनका नाम है चेंजिंग फैमिलीज. तो चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज लेके आती हूँ नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग. अच्छे से लर्न करना.